हाय ब्रन, वेलकम टू लर्निंग टू द। आज हम पढ़ा क्लासिक्स हिंदी रो वसंत बुक रो चैप्टर 3 नादान दोस्त निरीह संग। या पूर्व फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर रो वीडियो चर्चे तार वीडियो डिस्क्रिप्शन रे क्लासिक्स रो हिंदी रो प्लेलिस्ट रे क्लिक कर चेक कर परबो किबा चैनल रो प्लेलिस्ट सेक्शन रे क्लासिक्स रो हिंदी रे क्लिक कर चेक कर परबो किबा ए वीडियो सरीले स्क्रीन ऊपर देखा जीवो सेठी मध्ये क्लिक करके चेक कर परबो किबा आई बटन रे चेक कर परबो। नादान दोस्त निरीह संग। केशव के घर कानिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव रो घरे कानिस ऊपर गोटे पक्षी अंडा देता। कानिस कौन जो विंडो थाए झरकार जो छोट छात पर कहते हैं यहाँ कहते कानिस। ओके कानिस उपरे गोटे पक्षी अंडा देता। नेक्स्ट हूँ कि केशव केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। केशव आ तार भौणी श्यामा दिज पक्षी को सेठ आसवा जबार देखुले। सबेरे दोनों आखे मलते कानिस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। सका से मैंने उठिकी आखि मली मली कानिस सामने पहुँच जाती और चिड़ा और चिड़िया को सेठ बसी पाती। चिड़ा है पुलिंग को कहुच पक्षीर पुलिंग को चिड़ा कहुच स्त्रीलिंग को चिड़िया कहुच। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। कहते कि से देखे से पक्षी मान देखे दीज छुआ एत कौन मजा आसाला जाना ना कि क्षीर आ जलेबी ध्यान रोन दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। दीजों मनरे अलग अलग प्रकार सब क्वेश्चन आसला। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। से मन रे अलग अलग क्वेश्चन आसला जमीक अंडा केते बड़ हो कौ रंग रही केतेटा हो क्या खाते होंगे से कौन खाऊ से छोट पक्षी मैंने केमती आसवे बच्चों के पर कैसे निकलेंगे से पर कमी बाहर घोसला कैसा होगा से जो बसाटा केमी हो कि यू क्वेश्चन रनसर देवाई कही ना। ओके यू प्रश्न जो से मन को आसते तार जवाब देवाई कही ना कहीं ना अम्मा को घर के काम धंदो से फुर्सत थी ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से कहते कि ना ता माँ को काम धंदर कि बापा को पढ़ा लिखार कमरू फुर्सत ना से प्रश्न सब कह पचार पार ना। दोनों बच्चे आपसी में सवाल जवाब करके अपने दिल की तसल्ली दे लिया करते थे। दीज छुआ निज परस्पर भितर क्वेश्चन आंसर करके जहाँ भी मन क्वेश्चन रोला से सबूर क्वेश्चन आंसर परस्पर को पचारे पचारिकी निज मन को बजे दे। ओके श्यामा कहती क्यों भैया बच्चे निकल कर फुटे उड़ जाएंगे। श्यामा भाई को पचार कौन पक्षी मैंने बाहर पर फुर्कना उड़ी जाए। केशव विद्वान हो जे से गर्व से कहता नहीं रे पगली पहले पर निकलेंगे बगैर परों के बिचारे कैसे उड़ेंगे। केशव कहूँ कि कौन तो ना पगली से प्रथमे पहले से पहले पर निकलेंगे प्रथमे कौन पर बाहर बिना पर से मैंने केमती उड़े। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बिचारी। श्यामा कहूँ कि से पक्षी से छोट छोट पक्षी मान कौन खुआब। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। केशव ये जो कष्ट प्रश्नर उत्तर किसी दे पारानी। इस तरह तीन चार दिन गुजर गए एमती तीन चार दिन चली गला। ओके दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। दीज छुआर दिनों दिन जानवर इच्छा जिज्ञासा है जानवर इच्छा जानवर इच्छा दिनों दिन बढ़ी चलता। अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उड़ते थे। अंडा को देखापी से कौन अधीर हो पड़ते व्यस्त हो पड़ते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। से अनुमान कले कि एवं निहाती छोट पक्षी बाहरी सारी बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। जो पक्षी मान चारा चारे कुछ मैंने से भोजन तक खाद्यर प्रश्न से मन आसला कि से कौन खाए। चिड़िया बिचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। से कहते कि चिड़िया पक्षी पक्षी बिचारी केमी एत सारा दाना पाइब जहाद्वारा कि से सब जो छोट छोट पक्षी मान पेट भरी पार। गरीब बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे। से कहते कि छोट छोट पक्षी मैंने भूखे चूँ चूँ करके मरीजे। नेक्स्ट कहते कि दीज कथा हो इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। एमती असुविधार अनुमान करके दिज डरीगले। दोनों ने फैसला किया कि कानिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दीज निष्पत्ति ने कि कानिस पर किसी दाना रखीदे। श्यामा खुश होकर बोली तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। श्यामा तापर खुशी कहूँ कि पक्षी मान तो आद्यपाई कड़े उड़ी जावाक पड़बनि। केशव नहीं तब क्यों जाएंगे ना तबे आओ कहीं जीवे से माने। श्यामा क्यों भैया बच्चों का धूप न लगती होगी। श्यामा कहे कि कौन भाई से कौन अच्छे जो छोट पक्षी मानक खरा लगुन थो।
केशव का ध्यान इन तकलीफ की तरफ ना गया था। केशव रो ध्यान एक अष्टाड़ जाय नथिला। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी। कहले कि हाँ निहाती से कष्ट हो। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, से शोषे कष्ट पाते। ऊपर छाया भी तो कहीं नहीं है, ऊपर छाई भी तो किसी नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। शेषर से निष्पत्ति कले कि बसा उपरे कपड़ार छात बनई देवे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दिजों भीतर जो प्रस्ताव देते कि पानी रो भी गोटे पात्र रखिए एवं चावल भी किसी रखिए, सेटा स्वीकृत है। ओके दिजों निष्पत्ति ने कि पानी रो पात्र आ कि चावल दाना रखिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। दिजों छुआ बहुत आग्रह सहित काम कले। श्यामा माँ की आँख बचा कर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा ता माँ को ठू लुचे कि जो हांडी किसी चावल आनला। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। केशव जो गोटे पत्थर पात्र थिला से तेल थिला प्याली का तेल ताकू नुचे कि माटी रे पके दिला एवं ताकू भल भाव सफा करके से पानी भर के आनिला। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, वे चांदनी पाई कपड़ा कौटू आने। चांदनी जोटा कि छात करेंगे जहाद्वे कि खरा आसबूनी से कपड़ा कौटू आसो कहते। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे, से कहते कि कपड़ा जो से लगे सेटा बिना बाड़ी से कपड़ा केमती रोब, कपड़ा ठहरेगा कैसे, कपड़ा केमती रोब, एवं से जो बाड़ी रखे सेटा सीधा सड़क भाव में रोब केमती। केशव बड़ी देर तक इसी उधर डबुन में रहा। केशव बहुत टाइम पर्यंत यहाँ भाविला। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी, शेषे से असुविधा भी समाधान कर दिला। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। श्यामा कहले कि जो झुड़ी से अलिया पकाती सेटा को आने कहला, उठे आने कहला। अम्माजी को मत दिखाना, माँ को न देखापी से कहे श्यामा ओ तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न आएगी। श्यामा कहे कि से तो मझीरू फाटी ता देखिए कौन खरा आसबनी। केशव ने झुंझुला कर कहा तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूँगा। केशव विरक्ति ही कहे कि तू झुड़ी टाण मु तार जो सुराग रही तार जो गात रही बंद कर किसी उपाय बाहर करी। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। श्यामा दौड़ी की से झुड़ी टाणला। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। केशव से झुड़ी रोगात किसी कागज भरी दिला, कागज भर की से सब बंद कर दिला और गोटे टहनी डाल साहजरे ताकु लगे की रखिला। देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, कोजी की एमिति ही मु जो तार बसा उपरे आड़ कर देबी तब कैसे धूप जाएगी। केशव कोजी की एमिति करला परे आउ खरा केमती जीव। श्यामा ने दिल में सोचा भैया कितने चालाक है। श्यामा मन में भावुची कि भाई केते चालाक। पाटूरे कोजी गर्मी के दिन थे, गरम दिन थिला, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, तांको बापा ऑफिस जाइथिले, दफ्तर हला ऑफिस। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, तांको माँ दिजण छुआ को रूम रे सोई के निजे सोई पड़ी। लेकिन बच्चों की आँखों में आज नींद कहाँ, किंतु छुआ को आखिर आज निद गई, से निद आसन। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आँखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। तांको माँ को देखापी दिजण को निश्वास बंद करके आँखें बंद करके मौकर अपेक्षा करते। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। जमीती ही मालूम पड़ लगे माँ सो पड़े तो से चुपकिना उठिक धीरे धीरे चुपकिना उठिक दरवाजा जो कबाटर जोटा सिटकनी जोटा कि लक लगे व्यवहार कराए सेटा को खोलिक बाहर को आसीगले। अंडो की हिफाजत की तैयारियाँ होने लगी, अंडार सुरक्षार कार्य आरंभ है। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। केशव कौन घर गोटे स्टूल आनला किंतु से कौन तार हाथ पाइलानी, तेणु से गाधेप जो चौकी थिला सेटा को आणिक स्टूल तले रखिला और डरी डरिक चढ़ला। एमती इट देखी स्टूल को केमती से पकई देखी और श्यामा धरी। ओके नेक्स्ट कह स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबा पाता था जरा सा हिल जाता था। स्टूल चारिटा को गोड़ सामान नो जो आड़ को अधिक टे दबा पड़ूला तो से आड़ को सेटा हली जाता। उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता था। से समय
केशवकु केते कोण कष्ट होतिला सेटा तार मन जानिथिला बोली कहचोंदी। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। दि हाथ में से कानिस को धर नथिला एवं श्यामा को गाली करथिला। अच्छी तरह पकड़, भलसे धर तेउ कहथिला, वरना उतर कर बहुत मारूंगा, नहले उलेगी बहुत मारिबी कहचे। मगर बेचारी बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कानिस पर था, किंतु श्यामार मन से ऊपर कानिस ऊपर थिला। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। बार बार तार ध्यान से कानिस आड़ जाता और तार हाथ ढीला पड़ जाता। केशव ने जो ही कानिस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। जमीती ही केशव से कानिस ऊपर हाथ रखिला दुज पक्षी उड़ीगले। केशव ने देखा कानिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर तीन अंडे पड़े हैं। केशव देखला कि कानिस ऊपर किसी तिनके है किसी नड़ा बिछाई और तापर तीन टा अंडा अच्छे। जैसे घोसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोसला नहीं है। जमीती से बसा सब गछ ऊपर देखा सेमती बसा नाला। श्यामा ने नीचे से पूछा के बच्चे हैं भैया। श्यामा तो भाई को पचार चुकी केतेटा छुआ अच्छा। केशव तीन अंडे है अभी बच्चे नहीं निकले। केशव कह चुकी तीन टा अंडा अच्छी अभी से छुआ बाहर ना। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा कह चुकी मत भी देखे दियो केते बड़े होती। ओके केशव देखा दूंगा पहले जरा चिथड़े ले आ नीचे बिछा दू। केशव कह चुकी देखे देवी प्रथम चिथड़े है चादर बा कही पार ये कह चुकी पुराणा कपड़ा नहीं आ मु तले बिछे देवी। बेचारे अंडे तिनको ऊपर पड़े हैं कुछ बेचारा अंडा जो नड़ा ऊपर पड़ी। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। श्यामा दौड़ी जाएगी तार पुराणा धोती चिरीके खंडे आनला। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया उसकी कई तह करके उससे एक गद्दी बनाई और उससे तिनको ऊपर बिछा कर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिया। केशव टिके नई कि से कपड़ाटा नहीं गला एवं केते भांग करके तार गोटे गद्दी परीक्षा बनैला और उसे तिनको ऊपर बिछा दिया बिछा कर से जो कपड़ा को जो गदी परीक्षा बनैला से नड़ा उपर रखिला रखिकी तापर तीन टा अंडा को धीरे रखिदेला। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा पुणी कहे कि मत भी देखे दियो। ये सब देखा दूंगा पहले जरा वो टोकरी तो दे दो ऊपर छाया कर दूँ। केशव कह देखे देवी प्रथम से जो झुड़ीटा थी से दे ऊपर छाई कर देवी। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ मैं भी तो देखूँ। श्यामा टोकरी दे देगी तापर कह कि एवं तुम तल को आस मु तो एवं देखे। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा जा दाना और पानी को पानी की प्याली ले आ मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। केशव तापर टोकरी जो झुड़ीटा ताकू रखला पर कह कि दाना और पानी जो पात्रटा था सेटा को नहीं आ मुला तेत देखेदेवी कह। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। श्यामा से पात्र आनला और चावल भी आनला। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। केशव से जो झुड़ी तले दुटाक जिनस रखी था और धीरे ओल्ल आसला। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। श्यामा एवं कौन नवेदन करके कौन मत भी एवं देखे दियो। केशव तू गिर पड़ेगी। केशव कह कि ना तू पड़जु। ओके श्यामा न गिरूंगी भैया तुम नीचे से पकड़े रहना। श्यामा कह ना मुँह पड़बिनी तुम्हें तलू धरीथ। केशव न भैया कहीं तो गिरगिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। केशव कह ना तू जदि पड़ गलु तो माँ मोर चटनी बनई देवे कहेंगे कि तूने ही चढ़ाया था क्या करेगी देखकर। केशव कह तो माँ कहे कि तू ही चढ़े दिलु। तापर श्यामा कह तू देखी कौन करू अब अंडे बड़े आराम से हैं अंडा सब बड़े आराम से अच्छा जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे जितने से कौन छुआ बाहर तो पालवा। दोनों चिड़िया बार बार कानिस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। दिज पक्षी से कानिस आड़ को आसते और न बसिक उड़ जाते। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। केशव भाविला कि आम मान डर से बसुना। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। स्टूल को लेकिन घर रखा और चौकी जो था सीठी भी रखीदेला। नेक्स्ट कुछ कि श्यामा ने आँखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा आखिरी लुह भरी कह कि तुम्हें मत देख लोनी मुँह माँ को कहदेवी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा कह देता हूँ। केशव कह कि माँ को कहबू तो बहुत मारी भी कह दूँ। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। श्यामा कह तो तुम्हें मत देख लोनी कहीं। केशव और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते। केशव कह पड़ जाते चार सर मैंने तो मुंड फाटिकी चारिखंड हो जाता कह। श्यामा
हो जाते देख ले ना मैं कह दूंगी समय कुछ हो जाई था देख कहीदेवी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? ए समय रूम रो कबाट खुल्ले और खोलिकी ता माँ खरारू ता आखि को बचे कहते कि तुम्हें दिजन बाहर को केतबे आसब। मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने क्यूआर खोला? ता माँ कहते कि मुझे नी कि दोपहर मानने जो अपराह्न कौन अपराह्न न बाहर कही किसने क्यूआर खोला कहते किए कबाट खोल कौन क्यूआर केशव ने खोला था लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। केशव कबाट खोल दिला किंतु श्यामा एक था तो माँ को कहलानी। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे ताकू डर लगे कि ता भाई मैडो खाए बोली। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। श्यामा केशव मन में डरू था कि श्यामा कड़े कही नदेब कहीदेव कड़े से डरू था। अंडे न दिखाए थे इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था कहीं से अंडा ताकू देखे ना से श्यामा पर विश्वास हो ना। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा तो भाई को भल पाते बोली कहलानी कि इथिरे ए भूल भी सी सामिल थी से कारण कहलानी यार फैसला करहबनी। शायद दोनों ही बातें थी हुए तो दीटा को कथा थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे तो माँ तक गाड़ी देखे तो रूम रे बंद करदे और पंखा बाजुला केवल एवं 2टा ही होता। बाहर तेज लू चल रही थी अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। बाहर कौन जोर लू चलता और दिजन को निद आसीगला। ओके या पूर्व यार अदर चैप्टर भी क्लासिक्स हिंदी फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर भी वीडियो हो सारी तार भी वीडियो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लासिक्स हिंदी प्लेलिस्ट लिंक रे क्लिक कर चेक कर पार कि चैनल प्लेलिस्ट क्लासिक्स हिंदी प्लेलिस्ट कि स्क्रीन उपर देखा हो ता उपरे क्लिक कर चेक कर पार ना स्क्रीन रो राइट साइड रो कॉर्नर रे आई बटन रे भी क्लासिक्स हिंदी प्लेलिस्ट क्लिक कर चेक कर पार। ओके यदि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक करेंगे चैनल को यदि सब्सक्राइब करना तो करेंगे और सब्सक्राइब बटन साइड बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे जिते भी नुआ भिडियो आसो तार नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आप फ्रेंड मैं जूनियर सीनियर जहाँ भी दरकार अच्छे से भी वीडियो सेयर करेंगे। ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग।